भारत देश में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का एक अटूट बंधन होता है। इस रिश्ते को निभाने के लिए बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जिससे कि एक रक्षा सूत्र होता है, जिससे कि भाइयों की रक्षा होती रहे और भाई भी उसमें प्रण लेता है कि मैं अपनी बहनों का, अपनी नहीं बल्कि जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा करूंगा। हम आपको बता दें कि एक बार की बात है कि महाराज बलि ने भगवान विष्णु यानी जो 52 अवतार में उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए गए थे, उसमें उनको जो है वहाँ पे बंदी बना लिया था। उसमें माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और उनके भगवान यानी विष्णु भगवान को मांग लिया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और यमुना भाई बहन थे। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। शायद तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त है, जिससे बहनों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही देर में हम आपको रक्षाबंधन स्थल स्टोरी दिखाएंगे, जो बॉर्डर पर कुछ बहनें जाकर के जो है जो बॉर्डर पर सैनिक हैं उनको रक्षा सूत्र बांधेंगी और बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मी को रक्षा सूत्र बांध कर उनकी लंबी आयु की कामना करेंगी। हम आपको बता दें कि बाजारें गर्म हैं और बाजारों में जो है रक्षा सूत्र खरीदने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र का त्यौहार जो अपने आप में खास माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में रक्षा सूत्र के लिए दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट बंधन को दर्शाता है, जिससे कि एक भाई अपनी बहन को बेहद प्रेम करता है और वो प्रण लेता है कि आज से मैं अपनी बहन के साथ साथ अन्य बहनों की भी रक्षा करूंगा। हालांकि ये रक्षा सूत्र का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है, जिसको लेकर पुराणों में भी दर्शाया गया है कि एक बार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, जिससे भगवान विष्णु को बदले में मांग लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।